तेरी मंजिल तेरे अंदर तेरे रास्ते तेरी किस्मत तेरे हाथों चुन ले अपना सफर सफर तेरा हुनर हुनर तेरी कदर कदर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्लम्बिंग लेवल 2 चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, दैट इज बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मैसनरी टूल्स, और इसके साथ ही हम प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार भी पढ़ेंगे। टूल जो होता है इट इज एन इम्प्लीमेंट, या हम एक डिवाइस कह सकते हैं जो एक पर्सन यूज करता है, हाथ में लेता है टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर फंक्शन। अब जो मैसनरी टूल्स में है, हमारा पहला टूल है दैट इज ट्रॉवल, जो एक मैसन यूज करता है टू पिक अप मोर्टार, मोर्टार हम आगे पढ़ेंगे, फिर मोर्टार को प्लेस करता है और फिर स्प्रेड करता है मैसनरी ब्लॉक्स के बीच में। मैसनरी ब्लॉक्स का मतलब ब्रिक्स भी हो सकती है, स्टोन्स भी हो सकती है, या सिंडर ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि साइज देखना है हमें ट्रॉवल का, साइज क्या होता है, कौन सा साइज प्रेफर किया जाता है। अगर हम मैक्सिमम साइज की बात करें ट्रॉवल का, मैक्सिमम लेंथ जो होती है दैट इज इक्वल टू 11 इंच, मैक्सिमम विड्थ की बात अगर करें दैट इज इक्वल टू 8 इंच, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। अब ये देखना है कि प्रेफर कौन सा ट्रॉवल एक जो है मैसन करता है, दैट इज शॉर्ट एंड वाइड, यानी कि मैसन जो प्रेफर करता है ट्रॉवल वो शॉर्ट एंड वाइड होना चाहिए। इसलिए शॉर्ट एंड वाइड जब यहां पे हैंडल किया जाएगा, तब जो डिस्टेंस रहेगा हैंडल और जहां पे ये वेट रहेगा, यानी कि मोटर का वेट जो लिया जाएगा इस पे, उसके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। जब डिस्टेंस मिनिमम होगी, जो ये वेट यहां पे लग रहा होगा और जहां पे हैंडल किया होगा, तो जो स्ट्रेस लगेगा रिस्ट पे मैसन के वो काफी कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कंटिलीवर बीम है, डिजाइन कंडीशंस के हिसाब से ये सेफ होता है जब तक ये डिजाइन कंडीशंस के अंदर रहता है। अगर इसमें डिजाइन कंडीशंस में थोड़ा चेंज लाया जाए, अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे या वेट बढ़ाएंगे आगे, इट मीन्स कि वेट जब बढ़ता जाएगा आगे, तो ये पोर्शन जो है यहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट ये सेफ नहीं रहेगा, यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा एंड इट विल फेल। इसी तरह से जो है यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब एक और जो है मैसनरी टूल दैट इज चीजल, चीजल वहां पे यूज की जाती है जब हमें मतलब मैसनरी ब्लॉक्स जो होते हैं जब उन्हें कट करना होता है डिफरेंट साइजेस में, कोई शॉर्ट साइज का ब्लॉक कहीं पे चाहिए होता है किसी वॉल में, वहां पे हम जो कट करते हैं वो चीजल की मदद से करते हैं। अब चीजल में ये देखना है कि इसकी विड्थ कितनी होती है, ये जो होती है इस पोर्शन की विड्थ देखनी होती है हमें। मैक्सिमम मैं रेंज बता दूं विड्थ का, दैट इज 2.5 to 4.5 inch, यानी कि 2.5 inch से 4.5 inch तक की विड्थ रहती है इस पोर्शन में, यह है चीजल। अब जो हमारा एक और टूल है इसमें, दैट इज मैसनरी हैमर। हैमर देखो, मैसनरी हैमर कैसा होता है, ये इसका हैंडल है, फिर ये देखो ये वाला फेस जो होता है एक साइड का, ये स्क्वायर शेप का रहता है लाइक दिस, यानी कि जब हमें मैसनरी ब्लॉक्स को ब्रेक करना होता है, यानी कि अगर हमें बड़े ब्लॉक को छोटे पीसेस में ब्रेक करना है, तो इस साइड से हम स्ट्राइक कर देंगे उस ब्लॉक पे, इसलिए ये वाला साइड यूज। दूसरा साइड जो आप इसमें देख रहे हो, ये तीखा वाला साइड, शार्प एज जिसको हम बोलते हैं, ये वहां पर यूज होता है जहां हमें मैसनरी ब्लॉक्स की शेप चेंज करनी होती है, यानी कि कट करना होता है लेकिन डिफरेंट शेप्स देनी होती है, उसके हिसाब से जो है ये तीखा वाला साइड यूज होता है। या मैं कहूं जब हमें हार्ड ब्रिक्स को स्प्लिट करना होता है, तब इस तीखे वाले साइड से कर लेते हैं। अब एक और टॉपिक इसमें जो है हमारा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। अब पहले एक चीज सुनो, मोर्टार और कंक्रीट जो होता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीजें जो है डिफरेंट होती है। पहले कंक्रीट सुनो, कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं दैट इज
कोरस एग्रीगेट यानी कि बाजरी जिसे कहते हो आप, फाइन एग्रीगेट सैंड जिसे कहते हो, और बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट का यूज होता है या कोई और भी केमिकल्स बहुत सारे यूज होते हैं जैसे कि लाइम, हम यहाँ पर सीमेंट की बात करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंक्रीट के। कंक्रीट मास स्ट्रक्चर बनाने के काम में लिया जाता है, जैसे कि हमें कोई बीम बनाना होगा, कॉलम बनाना होगा, या कोई भी रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर और भी, या प्लेन सीमेंट कंक्रीट के जो भी चीजें बनानी होंगी, जैसे स्लैब हम डालते हैं, इन चीजों में जो है कंक्रीट का यूज होता है, यानी कि मास स्ट्रक्चर जितने भी होंगे वहां पर कंक्रीट का यूज होगा। दूसरा जो होता है मोर्टार, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, मोर्टार के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं दैट इज फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड और सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है। अब जो ये वाला पेस्ट बनता है दैट इज नोन एज मोर्टार, सीमेंट मोर्टार। अब जो इसमें एक टर्म होती है वर्केबल पेस्ट, वर्केबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी है, अब मैं ऐसे कहूं ईज विद विच मोर्टार कैन बी मिक्स्ड ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड इन पोजिशन इन होमोजीनियस स्टेट, यानी कि कितना क्वालिटी वाला मिक्सचर हमने बनाया है जिसे हम सिंपली काफी आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर वहां पर प्लेस करेंगे, फिर जो प्रॉपर पोजिशन देनी होगी उस मिक्सचर को वो दे पाएंगे होमोजीनियस स्टेट में। होमोजीनियस स्टेट का मतलब जो उसके इंग्रीडियंट्स होंगे वो मिक्स हो रहने चाहिए, उनका जो है अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें कि वाटर और उसके साथ साथ सीमेंट एक साइड चला जाए, फिर जो हमारे फाइन एग्रीगेट्स होंगे वो एक साइड चले जाए, यानी कि एक साइड पे अकोमोडेट हो जाए, दैट विल नॉट बी द वर्केबल पेस्ट। अब ये वर्केबिलिटी जो होती है ये डिपेंड करती है कुछ चीजों पर, वो सुन लो, क्वालिटी ऑफ वाटर यानी कि बेटर क्वालिटी का वाटर होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज ना हो, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही ग्रेडिंग के एग्रीगेट्स हो, परसेंटेज ऑफ सीमेंट यानी कि कितनी परसेंटेज हम सीमेंट यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ, देखो रेशियो अब सुनना है इसमें इंपॉर्टेंट, रेशियो क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का स्ट्रक्चर कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पेस्ट को, उस टाइप उस मतलब तरीके से जो है वेरी करता है हमारा रेशो। अगर हम ऐसे देख लें एक रेशो का पेस्ट हम बना रहे हैं 1:2, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है अगर हम वॉल्यूम में ले लें एक बकेट सीमेंट का दो बकेट फाइन एग्रीगेट के जब मिलेंगे तब जो है 1:2 मिक्सचर बनेगा मोर्टार का, ये होता है रेशो। रेशो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर डिपेंड होता है क्वालिटी ऑफ यानी कि वर्केबिलिटी जो है इस पर काफी ज्यादा डिपेंड रहती है। जब ये हार्ड बनता है मतलब कि सेट होता है ये मिक्सचर हमारा मोर्टार, तब इसके लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं दैट इज रिजिड एग्रीगेट स्ट्रक्चर, रिजिड एग्रीगेट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये यूज जो हम करते हैं मोर्टार पेस्ट को कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स के बीच में जब गैप्स फिल करने होंगे वहां पर यूज किया जाता है, या हमें जब कोई स्ट्रक्चर रेपियर करना होगा पुराना स्ट्रक्चर वहां पे गैप्स फिल करने के लिए यूज किया जाता है, और बहुत सारी जगहों पे जैसे कि हम अपने वॉल्स में, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि हम अपने वॉल्स में भी यूज करते हैं जब हमें वॉल्स पे फिनिश लगाना होता है। ये देखो यहाँ पे ये मोर्टार पेस्ट लगाया जा रहा है वॉल पे। बस इतना ही था इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, याद रखना। थैंक यू।